महल मना रे, लाख बना ले महल मना रे, लाख बना ले दिल न बसा तो क्या, इश्क ता बंदे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे जीद करा दे यार मेरा साया, नांझण मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया। हमारा कोई रिलेशन नहीं है। खुलेआम सड़कों पर इतनी बेतकल्फी, तन्हाई में क्या करते होंगे, इसका अंदाजा अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये मौका अच्छा है, आप भी जान से कहें कि वो सादगी से निकाह पढ़वा दें। रहा सवाल खुशियों का और रस्मों का, वो हम बाद में भी मना सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं क्यों आई हूँ बीजान। मत कहो मुझे बीजान, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, ना कल था ना आज है और ना कल होगा। कैसे जुलम, शादी बिना मर्जी की शादी, जिसकी ना कानून इजाज़त देता और ना ही मसब। मैंने इनकार नहीं किया वलीद खान, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हूं मैं। घबरा कर या दबाव में आकर फैसले करने की आदि नहीं हूं मैं वलीद खान। बीजान, मुझे तो सिर्फ कोर्ट का खौफ है। अगर अदालत ने आपके खिलाफ कोई हुक्म सादर कर दिया तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी आंखें बंद नहीं है, खुली हुई हैं। अगर कभी मैंने कोई खतरा महसूस किया तो तुम्हारी तजवीज पर अमल करने के लिए मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए। लेकिन वलीद खान, तुम दोनों ने आबिद खान को खुली आजादी दे रखी है, मुझे उसके बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही। अब क्या किया उसने बीजान, सारा दिन तो वो फैक्ट्री में ही होता है। उसने मुनज्जा को मेरी इजाजत के बगैर सेक्रेटरी बनाया और फिर कई जगह वो उसके साथ घूमता फिरता दिखाई दे रहा है। गलती हो गई उससे बीजान, हटा दिया है उसने मुनज्जा को, अब वो फैक्ट्री में नहीं आएगी। वलीद खान, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। उस पर नजर रखो, कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे वो मेरी नजरों में गिर जाए। अगर मानूर को उसकी ये हरकत पता चल गई तो बहुत बुरा होगा वलीद खान। आप फिक्र ना करें बीजान, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। मैं मानूर के कानों में निकाह की बात डाल दूंगी ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहे। बहुत अच्छा सोच रही हैं आप ईशान। आपके पास तो जोक्स का बहुत खजाना है। व्हाट्सएप पर ग्रुप है, दोस्त शेयर करते रहते हैं। मुझे भी ऐड कर लो ना। Why not? मैं आज ही एडमिन को आपका नंबर दे दूंगी। आपने वो फाइल साइन की? कौन सी? कल से आपके सामने रखी है, परचेज डिपार्टमेंट की फाइल। ओ यार, आजकल सब कुछ भूल जाता हूँ, पता है? काम करने का दिल ही नहीं करता। सर मैं देखती हूँ, आप साइन कर। यस, आप इससे बात करवाएं। नेम प्लीज। मुनज्जा बात कर रही है। सर किसी मुनज्जा की कॉल है।
सॉरी मैम, वो इस वक्त बिजी हैं। नाम बताया आपने मेरा? जी मैंने बता दिया, लेकिन वो इस वक्त मीटिंग में बिजी हैं। मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, ये कौन सी मीटिंग है जो खत्म ही नहीं हो रही? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम कौन बात कर रही हो? मैं उनकी नई सेक्रेटरी हूँ। पर्सनल सेक्रेटरी? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये मीटिंग तुम्हारे साथ की जा रही है। ये कौन स्टूपिड लड़की है? इसीलिए निकाल दिया। तुमसे पहले मेरी सेक्रेटरी थी। बात तो ऐसे करी थी जैसे कि वाइफ हो। कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी वाइफ नहीं, लाइफ एंजॉय करनी है। हमारे ख्यालात तो काफी मिलते जुलते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो फिर आज रात क्लब में पार्टी हो जाए। अकेली है या कोई साथ है तुम्हारे? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ ही यहाँ आती थी और आज भी तुम्हारे लिए आई। मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसी क्या बात थी? तुम फोन भी कर सकती थी, यहाँ पे क्यों आई? किया था फोन, लेकिन तुम उठाते ही कहाँ आजकल? मैसेज भी दिया था, लेकिन शायद तुम्हें मिला नहीं। तो क्या है ना, आजकल फैक्ट्री में बहुत काम होते हैं। नौशीन फैक्ट्री में बहुत बिजी होती है और उसके पास टाइम नहीं होता बात करने का। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है कि कितना काम हो रहा है फैक्ट्री। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। 10 मिनट होंगे तुम्हारे पास? इस टाइम तो नहीं कर सकता, देख रही हो तुम। फोन कर लेना, बल्कि मंडे को लंच करते हैं, क्या कहती हो तुम? ठीक, लेकिन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। डोंट वरी, मैं थोड़ा बिजी हूं। बिल्कुल तुम्हारे लहजे में बात करता है, भतीजा है ना तुम्हारा। बताओ अब वो मुझे बता रहा है कि क्या करना है, और ये सब कुछ हमें उस बदसात औरत की वजह से देखना पड़ा। क्या करें, मजबूरी। वकील भी तो यही कह रहा था ना, याद है ना तुम्हें? बैरिस्टर ने भी तो यही मशवरा दिया था ना कि मानूर का निकाह कर दिया जाए। और कोई रास्ता नहीं है ना मुजफ्फर खान, क्या करें? तो बताओ, कर दूं तुम्हारी पोती की शादी? हाँ सच कह रहे हो, राजी तो मैं भी नहीं। मुझे भी दिल से पसंद नहीं है वो लड़का,
क्या करें? मैं दिल से नहीं दिमाग से फैसले करती हूँ मुजफ्फर खान। और इस वक्त हमारे खानदान में और कोई लड़का उसके शायान शान है नहीं। आपने बुलाया अम्मा जान? हाँ, आओ आओ बैठो मेरे पास आकर। अनूर बेटा, मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है तुम्हारे दादू के सामने। बचपन में तुम्हारी निस्बत आबिद खान से हो गई थी। अब वो कुछ हालात और कुछ मजबूरियां ऐसी हो रही हैं कि हमें तुम्हारा निकाह फौरी तौर पर उनसे करना होगा। नहीं, रसूमात और रुखसती हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। उदास हो गई? हर लड़की उदास हो जाती है इस वक्त। असल में अपना घर छोड़कर जाना होता है ना, इसलिए। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो बेटा, तुम ये हवेली छोड़कर नहीं जाओगी। आबिद खान रुखसत होकर यहाँ आएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे फैसले से कोई इनकार नहीं। अम्मा जानी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है कि तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए? मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं, सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। कुछ उलझन है, उसे दूर करना है। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी? अच्छा ठीक है, तुम्हारी कुछ उलझने, कुछ शुकूक और शुभात हैं तो दूर कर लो, ले लो वक्त। लेकिन एक बात मैं बताऊं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। महल मना रहे, बहुत शुक्रिया। लाख बना ले महल मना रे, लाख बना ले दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदे आ फड़ ले पल्ला, इश्क खुदा तेरा। अदील, अदील उठ जा, बहुत देर हो गई है तुझे सोते हुए। अदील, अरे अगर अपने बाप का खौफ नहीं है तो कम से कम अल्लाह का ही खौफ कर ले। उठ जा खुदा के वास्ते। उठ गया मम्मा, अब आप जाएं। ना बाबा, तू मेरे बस का नहीं है, तुझे तो तेरी बीवी ही ठीक करेगी आके। हेलो हेलो। हाँ, मैं मानूर बात कर रही हूँ। क्या क्या ये वाकई तुम हो? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे फोन किया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, किसी तरह मुझसे मिल सकते हैं? कहाँ कहाँ मिले आप? वहीं जहाँ हम मिलते हैं। ओके, लेकिन कब? जल्दी, मुझे जैसे ही मौका मिला मैं निकलने से पहले एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे मानूर सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, मैं फोन पर ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। आप आएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगी। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। मानूर, हेलो। Thank you.
अम्मा मैं उठ गया हूं। मालकिन। हाँ। आपका काम हो गया। गुड, वेरी गुड, ओके। सूप लगाओ। तुमने सिर्फ खुद को नहीं, मुझे भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हें पता है वो कितने अहम गवाह थे? सर जी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला हो जाएगा। सर, ये काम सुल्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता। अरे तो जाओ, पकड़ो उसे, छापे मारो, क्योंकि वरना हम निकाले जाएंगे, और निकाले नहीं गए तो सस्पेंड होंगे। मुझे तो अपना ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। सर, दो चार जगह छापे मार चुका हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं सर उसे पकड़ने की। पर बात कर दिया तुमने। ये मैं क्या सुन रही हूं? वो जो दो मुल्जिमान थे उन्हें मार दिया गया? ठीक सुन रही हैं आप, ये मौसूफ लेकर गए थे कोर्ट। कोई मोटरसाइकिल वाले आए और वो फायरिंग करके उनको मार गए। तो क्या उनकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था? था, बहुत मामूली सा, जबकि इनको मैंने समझाया था कि वो अहम गवाह हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। थोड़ी सी लापरवाही होगी सर, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब क्यों खड़े मुंह देख रहे हो मेरा? जाओ जाके छापे मारो, सुल्तान को ढूंढो। सर मायूं, इस लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। बात यह कि जिसने भी ये सब किया है वो मैसेज देना चाहता है इनको डायरेक्टली कि खुदा ना खास्ता इनके साथ भी सब कुछ हो सकता है। ठीक कह रहे हो तुम, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तोहफा मुझे बेगम साहिबा का दिया हुआ है, मुझे जान से मारने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? क्या मतलब है? क्या मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाऊं, भूल जाओ अपनी बेटी को? मैंने आपसे ये कब कहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब आप उन्हें अगवा के केस में नॉमिनेट करें। अगर आपने पहले मेरी बात सुन ली होती तो इतने कॉन्फिडेंस से वो इन दोनों लोगों को नहीं मरवा सकती थी। आप ये किस तरह कह सकते हैं कि ये कत्ल बीजान के हुक्म पर हुआ है? उनको और किससे खतरा था? उन्होंने ओपनली इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है ना, तो उन्होंने ही मरवाया। देखिए अभी भी वक्त है, अभी भी कोर्ट में चालान नहीं गया है। अगर आपने अब ज़ेबुनिसा को बचाने की कोशिश की तो याद रखिएगा उन दोनों लोगों का खून आपके सर पे होगा। ठीक है, मैं अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड करवा देती हूँ। परफेक्ट। तो आप ही बताएं कितनी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए? डबल तो होनी चाहिए। डबल? ठीक है, हो जाएगी। ओह सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। क्या बदतमीजी है, नौकर के तो आती।
मुझे अंदाजा नहीं था कि ये ऑफिस कम और बेडरूम ज्यादा हो गया है। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। क्या तुम अपनी सेक्रेटरी को कुछ देर के लिए बाहर भेज सकते हो? तुम्हें बताकर तो आना चाहिए था। तुम्हारे पास मेरा फोन सुनने का टाइम नहीं। मुझे रेस्टोरेंट में बुलाकर खुद गायब हो गए। मुझे सलील करके तुम यहाँ कुल झड़े उड़ा रहे हो। अपनी लिमिट्स में रहो। लिमिट्स अब तुमने क्रॉस किए मिस्टर आबिद। मेरे को टिश्यू पेपर नहीं जिसे इस्तेमाल करके तुम फेंक दोगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। तुम्हें हो क्या गया मनसा? देखो उस दिन मुझे मीटिंग पे जाना पड़ गया था। मैं टाइम निकालता हूँ, एक दो दिन बाद बैठते हैं और बात करते हैं। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। फैक्ट्री छोड़ने के बाद तुमने मुझे पलट के पूछा तक नहीं। कहां तुम दिन रात फोन करके मेरा जीना हराम करते थे और बाद में ऐसे भूले के जैसे जानते ही नहीं। I'm sorry, मैं बिजी था, गलती हो गई। तुम कहां बिजी थे देख लिया मैंने आज। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं नौशीन की तरह कोई गिरी पड़ी लड़की हूं जिसे तुम इस्तेमाल करके फेंक दोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम मुझे धमकी दे रही हो। मैं कौन हूं? आबिद खान, इस पूरी फैक्ट्री का मालिक, और तुम्हें नौकरी भी मैंने दी थी। थोड़ा सा टाइम क्या पास कर लिया तुम्हारे साथ, खुद को महारानी समझना शुरू हो गई। अरे मैं तो महानूर को भी जूती की नोक पे रखता हूं। समझती क्या हो तुम अपने आप को? जो कर सकती हो जाके कर लो। समझ आई? गेट लॉस्ट प्लीज। कोई बाबा आप यहीं रुके, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं छोटी मालकन? आप हालात ठीक नहीं है और फिर बड़ी मालकन ने। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अकेले क्यों नहीं जाने दे रहे। आपको खतरा है ना कि कहीं मैं अदील से ना मिलूं? कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी मालकन? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं अदील से ही मिलने जा रही हूँ। कुल बाबा प्लीज आप यहीं रुककर मेरा इंतजार करें, मैं अभी वापस आती हूँ। जो हुक्म मलिकन। हेलो, आने में देर तो नहीं हुई? इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं कुछ देर पहले ही आई थी। वो किधर है? किंग कॉन्ग? कौन? कुल बाबा? हाँ वही। काज के साथ बैठे, मैंने उन्हें आने से मना कर दिया। क्या मतलब? उसे पता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? मैंने उन्हें बता दिया, आज पहली बार उन्हें हुक्म दिया है। तो ये हुक्म पहले नहीं दे सकती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये हुक्म पहले दे देती तो मुझे इतनी अजियत ना बर्दाश्त करनी पड़ती। अजियतें तो मैंने बर्दाश्त की और शायद आगे भी मेरी तकदीर में दुखी है। क्या हुआ मानूर, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अम्मा जानी मेरा निकाह आबिद खान से करना चाह रही है।
कह रही थी कुछ कानूनी मसाइल हैं। कैसे मसाइल? मैं नहीं जानती, लेकिन आजकल हवेली में वकील आ रहे हैं। अम्मा जाने भी बहुत परेशान थी। तो तुमने क्या जवाब दिया? सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आबिद खान के साथ पूरी जिंदगी तो क्या, मैं कुछ लम्हे नहीं गुजार सकती। तो बता दो अम्मा जानी, घर कर दो शादी से। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आप शायद अम्मा जानी को नहीं जानते। आज तक उन्हें इनकार की जुर्रत किसी ने नहीं की। तो पैदा करो जुर्रत। कब तक तुम इस तरह डर डर के घुट घुट के जिंदगी गुजारोगी? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कत्ल तो नहीं कर देंगे ना? देखो तुम उनकी वारिस हो, तुम्हें जान से तो नहीं मार देंगे ना? लेकिन मानो अगर इस वक्त तुम डर गई ना, सारी जिंदगी पछताओगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश मामा और पापा इस वक्त मेरे साथ होते। मैं अकेले अम्मा जाने को फेस नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे बहुत अज़ियतें दी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अम्मा जानी कभी भी मेरे इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। बहुत पत्थर दिल है। तो मैं हूं ना मानू, अगर जरूरत पड़ी तो मैं हवेली आकर तुम्हें इन सबसे छुड़ा कर ले जाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर, तुम मत करो, इनकार कर दो शादी से। कैसे जहमत की आपने? अस्सलाम वालेकुम। जहमत कैसी मैडम, ये तो हमारी ड्यूटी है। रिफत हाशिम नाम की एक खातून अगवा हुई थी, आप उनको जानती तो होंगी। पहले बैठने की तमीज सीखिए, फिर मुझसे बात कीजिए। आई एम सॉरी मैडम, मैं भूल गया था कि मैं तो आपके सामने बैठा। रिफत हाशिम को तो हमने बाजियाब कर लिया और साथ में वो जो किडनैपर्स थे उन्हें भी पकड़ लिया हमने। अच्छा, तो ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कुछ दिन पहले उन दोनों किडनैपर्स को अदालत के सामने कुछ नामालूम अफराद कत्ल करके चले गए। ओह, तो इन सब बातों का मुझसे क्या ताल्लुक है? ये आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मगविया ने अपने बयान में ये कहा है कि उन्हें शक है कि उन्हें अगवा आपके कहने पर किया गया। तो कोई भी ऐरा गैरा उठकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगा और कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझ पर तफ्तीश शुरू कर देगा? मैडम, वो कोई ऐरी गैरी नहीं, आपकी बहू है। उन्होंने अपने बच्चे को हासिल करने के लिए आपके ऊपर केस भी किया हुआ है और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्हें अगवा इसलिए किया गया था कि उन्हें प्रेशराइज किया जाए और फिर वो दोनों जो गवाह थे उन्हें भी दिन दहाड़े मार दिया गया। एएसपी साहब, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैडम, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। आप किसी सुल्तान नामी शख्स को जानते हैं? देखिए, मैं आपकी किसी बात का जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ। आपने जो पूछना है, जो बात करनी है, जाकर मेरे लॉयर से बात कीजिए। मैडम, इतना बताता चलूं आपको कि ये कोई आम केस नहीं है। इसमें दो अफराद कत्ल हो चुके हैं और एक अगवा। अमूमन इस तरह के केसेस में हमारे पास अथॉरिटी होती है कि हम अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करें।
आप एक मौजूद खातून हैं, मैं आपके साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहता। लिहाजा आई होप कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आपको मुझे गिरफ्तार करने का शौक है, जरूर अपना ये शौक पूरा कीजिए। वारंट है आपके पास? थैंक यू फॉर योर टाइम मैडम। मैं वापस आ हो तुम मेरे बेटे पर ऐसा इल्जाम लगाओगी और मैं सुन लूंगी? मैं इल्जाम नहीं लगा रही आंटी, आप चाहे तो आबिद से पूछ लीजिए। ये लड़की तुम होश में तो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे से ऐसी बेशर्मी वाली बात पूछूंगी? मुझे तुझ पर पहले ही शक था कि तू जरूर कोई फसाद खड़ा करेगी। ये तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो दौलतमंद लड़कों को घेरती है, उसके बाद ऐसे चक्कर चलाती है। आंटी तमीज से बात करो लड़की, अभी तुम जानती नहीं हो कि तुम बात किससे कर रही हो। आबिद का बाप भी है ना, मुझसे बात करने से पहले 100 मरतबा सोच कर बात करता है कि मैं किससे क्या बोलने जा रहा हूं। और रहा सवाल आबिद का, तो ठीक है वो अल्ले गुल्ले का शौकीन है, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेता है, लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने का वो सोच भी नहीं सकता। और खानदान की लड़की, तौबा, ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकता। उसने ऐसा ही किया आंटी, धोखा दिया उसने मुझे, पहले नौकरी का लालच दिया फिर शादी का। और तुमने लालच में आकर अपना सब कुछ लुटा दिया। अगर ऐसी बात थी तो अब शोर क्यों मचा रही हो? कसूर सबसे बड़ा तुम्हारा अपना है, तुम क्यों आई उसकी बातों में? असल बात तो ये कि तुमने जानबूझकर हमें ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ किया। मगर मेरी भी एक बात तुम याद रखना लड़की, आबिद के बाप को अभी तुम अच्छी तरह जानती नहीं हो। जब उसने बीजान को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है तो तुम तो उसके सामने कौन से खेत की मूली हो? तुम्हें कब काट कर फेंक देगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ आंटी कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं आपके पास इंसाफ के लिए आई। आप भी तो एक औरत है, मेरा दुख समझ सकती है। तुमने अपनी खुशी से गलती की है ना, तो सजा भी अब तुम खुद भुगतो। और बेहतर यही है कि आबिद को तुम अपने दिमाग से निकाल दो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। आंटी मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आप भी आबिद की तरह संतिल और खुदगर्ज से निकली। मैं बार बार तुमसे यही कह रही हूँ कि अपनी जबान पर काबू रखो लड़की, और बेहतर है कि शराफत के साथ यहाँ से चली जाओ, वरना ये ना हो कि मैं अपने घर से तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊं। शुक्रिया आंटी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आप मेरा साथ देंगी, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आई, सब कुछ आपको सच सच बता दिया। आप यकीन करें या ना करें यह आपकी मर्जी, लेकिन जिस तरह से आप इतने मेरी जिंदगी में जहर खोला है, उसकी जिंदगी भी भयानक ख्वाब बन जाएगी। हाशिम खान के बहुत एहसानात थे मुझ पे, इतनी बड़ी जागीर का अकलौता वारिस, लेकिन कहीं से भी वडेरा या जागीरदार नहीं लगता था। बहुत बड़े दिल वाला, दूसरों के दुख दर्द में उनके काम आने वाला। हाँ, तुम्हारे आरिफ अंकल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन कुदरत की सितम जरीफी देखें,
कि जिस माँ ने उसे पैदा किया वही उसकी मौत का सबब बने। अच्छा तुम बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है? लेकिन इकलौते बेटे की मौत के बाद भी ज़ेबनिसा बेगम के दिल में रहम नहीं आया। वो अपने बेटे की बीवी को ही दुश्मन समझती रही। आज तक रफत भाभी को ज़ेबनिसा बेगम ने अपने इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार जाना है और उनसे नफरत करती रही। हाँ बेटा मैं आपकी दादी से मिलने गई थी। नहीं नहीं मैं उनसे कोई लड़ाई नहीं करूंगी। पोती को जबरदस्ती छीन लिया। अच्छा बेटा ऐसा है कि घर में कुछ गेस्ट आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अगर मैं भाभी को जबरदस्ती मुल्क से बाहर ना भेजता तो हाशिम खान की मौत के बाद पैदा होने वाले बच्चे को भी छीन लेती। और ये बात मैडम नहीं जानती कि उनका एक और बच्चा है। यही तो बदकिस्मती उनकी, उनको ये नहीं पता कि उनका एक पोता भी है। कितने जुल्म की बात है कि एक आम आदमी कोई जुर्म ना भी करे तो पुलिस उसे उठा के लॉकअप पे बंद कर देती है, लेकिन अगर कोई बासर आदमी बड़ा सा बड़ा जुर्म कर ले उसके बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए 10 मसाइल पैदा कर देती है। सब गोरख धंधा है मैडम। जिस दिन एक आम आदमी उठकर हमारी असेंबली तक पहुंच गया ना और हमारा लीडर बन गया, इस मुल्क के हालात तब्दील हो जाएंगे। मैं सिर्फ सुल्तान के पकड़े जाने का इंतजार कर रहा हूं। जिस दिन उसे पकड़ लिया आपकी मैडम हवालात के अंदर होगी। हेलो सर, सलाम अलैकुम। लेकिन सर ओके सर, जी जी मैं समझ गया, गुड नाइट। क्या हुआ खैरियत? मुझे सस्पेंड कर दिया गया। What? अभी तुम्हारे दादू से मैं यही जिक्र कर रही थी बेटी कि मेरी बेटी की शादी इतने धूमधाम से होगी, इतनी धूमधाम से होगी कि आने वाली कई नस्लें उसको याद रखेंगी। तुमने कुछ वक्त मांगा था ना मुझसे, है बेटा? तुम्हारी उलझने उम्मीद है कि सब दूर हो गई होंगी। जी मेरी सारी उलझने दूर हो गई। गुड, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे फैसले को कबूल कर लिया होगा। मुझे अफसोस है कि मैं आपके इस फैसले को कबूल नहीं कर सकती। तूने वही किया जिसका मुझे डर था। ठीक है, तुम निकाह की तैयारी करो, मैं एक दो रोज में तुम्हें तारीख बताती हूँ कि कौन सी दी जाए। वाह क्या बात है आपकी बीजान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
महल मना रे, लाख बना ले महल मना रे, लाख बना ले दिल न बसा तो क्या, इश्क ता बंदे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे जीत करा दे यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया।